अरे बेटा, जब मैं गया था जब से यहीं खड़ी हूँ। स्कूल की बस नहीं आई क्या? हाँ पुजारी जी, हम काफी देर के खड़े हुए हैं, आज स्कूल की बस ही नहीं है। लाओ बेटा, मैं स्कूल छोड़ करके आता हूँ, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। ओए चाली चल। अबे कहाँ ध्यान है तेरा लल्लू, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। चल चाल चल। ओए बिहारी बाबू, हमें क्या बेवकूफ समझा है, उसको मना करके खुद ताचक शुरू कर दी। चलिए चलिए अपनी चाल चलिए। भैये भैये क्या कर रहे हैं? खेल पर ध्यान दे, खेल पर। अरे हम भी लाइन में हैं, चल बत्ते बेत। ओए सपना आ गई, अबे आ गई सपना, आ गई अनी। अरे अनी चलो 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 जल्दी अनी को, इधर देखो इधर अनी को, इधर देखो बे इधर, चलो जल्दी से सपना आ गया है। सपना आज तो मैं अपने दिल की बात सपना से कह कर रहूंगा। ओए तेने खुनी आने का, मैंने को जाने सपना जी के पास। अबे भैये तू किधर जा रही है? पहले मैं जाऊंगा कसम मोहल्ले की। अरे भाईजान, पहले मैं पढ़ा था उसके चक्कर में, तभी तो दुकान खोल ली। बे, इस बात का हमें आपस में फैसला करना पड़ेगा कि सपना से पहले कौन जाके बात करेगा। ओए टेढ़े को नहीं, मेढ़े को जाना है। अबे तू कैसे जाएगा? मैं जाऊंगा पहले। जाए पहले मैं जाऊंगा। मैं टेढ़े को मेढ़े को जाने दे। अरे तू नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगा। अबे पेड़े को मैं जाऊंगा, टेढ़े को नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अरे बस पहले मैं जाऊंगा। अरे अरे मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले। कसम मोहल्ले की भाई है, वो तो दबे पाव चली गई। वो क्या कहते हैं, आधी छोड़ साजी को झपटे, आधी मिले ना साजी। अरे भैये हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे और उसका आने का इंतजार करेंगे। क्रिकेट तो हमने बहुत खेले लेकिन कभी किसी को कैच नहीं दिया। बंधुवर तुमने मेरा कैच पकड़ा, मुझे इसका दुख नहीं है, मगर ये बात सपना से जाके मत कहना। सपना? कौन सपना? अरे भाई मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और इस शहर में सेमिनार के लिए आया हूँ। वैसे मेरे एक फ्रेंड रहते हैं इस बस्ती में, राहुल, उनके पिताजी हैं शांतिलाल जी, मैं उन्हीं के पास आया हूँ। क्या मुझे बता सकते हैं कि वो लोग वो कहाँ रहते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो सामने जो घर दिख रहा है वो उन्हीं का है। अच्छा वो, थैंक यू वेरी मच। मेंशन डॉग, मेंशन डॉग, बड़े डॉग, बड़े डॉग। शादी करना चाहती है। अच्छा क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी करा लिए, सारे काम कर लेंगे। हाँ सपना जी, कोई मर्द वाले काम बता दीजिए। अच्छा मजनू तो लीला के लिए मर जाते, क्या मर सकते हो मेरे लिए? मर नहीं सकते, मर गए तो आपसे शादी कौन करेगा। सपना जी मेरे से रोटी छोटी बनवा लो ना।
झाड़ू लगवा लो, पोंछा लगवा लो, सारे मर्दों के काम आते हैं। अच्छा तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकते हो? मान लीजिए हम धरती पर चांद तारे तोड़ लाए तो गर्मी नहीं बढ़ जाएगी, फिर आपकी स्किन काली पड़ जाएगी, फिर आपसे शादी कौन करेगा? अच्छा तो समुद्र का सारा पानी पी सकते हो? अच्छा ये बताइए, समुद्र का पानी कैसे पीना है? मछली के साथ पीना है कि मछली को हटा के पीना है? मैं समुद्र का सारा पानी पी जाऊंगा मगर दूसरा समुद्र कहाँ बनाऊंगा? वो मैं जानती, तुम जानो। आप तो मर्दों वाला काम बताइए, आप तो बस मुझसे शादी कर लो। अच्छा शादी करना चाहते हो? ठीक है तो जो पहले उस मुर्गी को पकड़ कर लाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। देखो अब आ गया, कोई नहीं आया, मुर्गी मैंने पकड़ी पीछे बेवानी। देखो मैंने पकड़ ली, दूर हटे यार। हाँ ओए अब आगे कोई नहीं आएगा, देखो सही बोल रहा है, मुर्गी हमने पकड़ी भाई, पीछे हट। मैंने पकड़ लिया, बीमारी नहीं मुर्गी मैंने पकड़ लिया, सही सही बोल रहा है, पीछे हट भाई। ओए रहने दे, ठीक है बीमारी नहीं, इसी को ले जाने दे, ले जा सपना की पास, ले जाने दे, ले जा ले जा। सपना जी मैंने मुर्गी पकड़ ली। पहचाना नहीं आपने? हाँ हाँ, राहुल का फोन आया था कि शमीर आ रहा है। तू कितना बदल गया बेटा कि पहचानने भी नहीं आता। बाबूजी अब मैं आ गया हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा राहुल ही आ गया हो। बेटा तू स्नान कर ले, मैं सपना को बुलाकर भोजन तैयार करवाता हूँ। बाबूजी ये सपना कौन है? बेटा पड़ोस में ही रहती है, बड़ी नेक लड़की है। राहुल के जाने के बाद उसी ने मेरा ख्याल रखा। अरे मैंने तुझे बातों में उलझा लिया, जा जाकर के स्नान कर ले। अरे देवती इधर आ बेटा। अरे बेटी सपना से कह दे कि जल्दी भोजन तैयार करा दे, मैं मंदिर जाकर के आता हूँ। जी पुजारी जी। भाई मैं चोर नहीं, मैं तो राहुल का दोस्त समीर हूँ। राहुल का दोस्त समीर? हाँ समीर, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सपना आप ही हैं? एक बात बताइए, वो क्रिकेट प्लेयर ये क्यों कह रहे थे कि कैच वाली बात सपना को मत बताना? एक बार की बात है, एक हाथी
बंदी में नहा रहा था, उसका दो चूहा उसे बुलाता गाली दे के, और मोटे ओ मोटे बात कर। हाँ जी बड़ी भारी बनकर सही देख बाहर आया, कहला क्यों क्या है चूहा देखे, कहला कुछ नहीं जा जा जा। कहला क्यों बे क्यों बुलाया चूहा, कहला कुछ नहीं जा जा जा। पता है क्यों चूहा ये देखना चाहता था हाथी उसकी चड्डी पहन के तो नहीं नहा रहा। सपना काम आ गई जा रही है भाया, मन ने तो गड़बड़ लागे है। तू सही कहता है, सपना ने मुझसे कहा था मैं उसी से शादी करूंगी जो तेरा कैच पकड़ेगा। धक तेरे की सत्यानाश, अबे तू मुझे पहले बता देता ना तो उसका कैच मैं ही पकड़ लेता, कम से कम उस लंगूर के हाथ में तो नहीं जाता। अरे भैया हमें बता दिया होता अपनी जान हथेली पर रखकर इसका कैच हम ले लेते। इसके लिए तो हमें पुजारी जी से बात करनी ही पड़ेगी। चलो चलो जय राम जी की। क्या बात है भाई, आज आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे क्या? आपने तो हमारा कैच लेकर हम सबको ही आउट कर दिया जनाब। आउट कैच? अरे हाँ, वो जो आप लोग उस दिन कह रहे थे कि कैच वाली बात किसी को मत बताना, सपना को मत बताना, उसका क्या मतलब था? सपना ने आपको नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया सपना ने। लाइन क्लियर है, चलो।